बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि आखिर सीआईएससी अभी चुप क्यों है, कुछ बातें क्यों नहीं कर रहा। रिजल्ट की टाइमिंग आने वाली है और अब जुलाई के कब फर्स्ट वीक से सेकंड वीक में कभी भी ये रिजल्ट आ सकता है, तो इनको लेकर कोई मार्क्स मेथोलॉजी क्या होगी या फिर ये रिजल्ट किस तरह से आएंगे, कौन कौन से वे स्टेप होंगे या वेटेज को लेकर कोई चेंजेज होने की संभावना है, इन सब क्वेश्चन के आंसर को सीआईएससी क्यों नहीं दे रहा है, आखिर वो चुप क्यों है, तो इसके पीछे मैं आपको दो तीन पॉइंट बताना चाहूंगा जो कि मेरे विचार, बहुत सारे एग्जामिनरों और हेड एग्जामिनर के विचार हैं, बहुत सारे शिक्षक जो सीआईएससी के एग्जामिनेशन प्रोसेस और उसके रिजल्ट ओरिएंटेशन वाले प्रोसेस में हिस्सा रहे हैं, इवेल्युएशन प्रोसेस के पार्ट रहे हैं, बताते हैं कि पहली बात सीआईएससी का वर्क फंक्शन ही इस तरह से है कि जब उसे रिजल्ट निकालना होगा उससे दो तीन दिन पहले यह इंफॉर्मेशन कर देगा कि किस तरह से ये रिजल्ट आना है और स्कूल लेकर स्टूडेंट के बीच में ज्यादा सनसनी क्रिएट करने का कोई उसका इरादा नहीं होता है। वो रिजल्ट को लेकर कई बातों को इम्पोर्टेंटली क्लियर कर देता है और उसके बाद रिजल्ट आते हैं। अभी जबकि सीआईएससी के वेबसाइट को लेकर कोई चेंजेज नहीं है और उस पर जिस तरह से प्रिपरेशन वर्क होते हैं, मेंटेनेंस वर्क होते हैं, ऐसा होने वाले हैं या फिर शुरुआत किए जाने हैं, इसका मतलब यह हो गया कि 27 से लेकर 30th of June 2022 तक रिजल्ट को लेकर आपको कोई बड़े ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिल सकते हैं सीआईएसई के द्वारा। हाँ, इसके बाद आपको कई सारे सीरीज में अपडेट आ सकते हैं कि आखिर इन रिजल्ट को लेकर सीआईएसई क्या सोचती है और सीआईएसई ने इन रिजल्ट के प्रोडक्शन में किन किन बातों का ध्यान रखा। एक बहुत बड़े स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया है कि हो सकता है स्कूलों को डायरेक्ट कर दे कि इन प्रोसेस के आधार पर सीआईएसई ने रिजल्ट निकाला और बच्चों से वार्तालाप नहीं करे, क्योंकि सीआईएसई जो सर्कुलर एंड कम्युनिकेशन स्कूलों को देती है और जो सर्कुलर एंड कम्युनिकेशन बच्चों को देती है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। स्कूलों को दिए गए सर्कुलर काफी डिटेल में और उसके इनएक्टमेंट पॉइंट होते हैं, वहीं पर जो पब्लिक डोमेन में यानी cisc.org पर नोटिस सेक्शन के अंतर्गत जाने वाले सर्कुलर हैं उनमें तो कई सर्कुलर आते ही नहीं है और जो सर्कुलर आते हैं उनमें काफी ब्रीफ इंफॉर्मेशन होते हैं जिससे कि बच्चों में मिसलीडिंग की संभावना रहती है। थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये रिजल्ट पहले की तुलना में अच्छे हैं। अब इसका मतलब है कि पासिंग परसेंटेज को चेंज नहीं किया गया है, 33% फॉर आईसीएसई एंड 35% फॉर आईएससी डिटरमाइंड है, लेकिन यहाँ पर एक बात और सामने आ रही है कि ये 33% फॉर आईसीएसई एंड 35% फॉर आईएससी का मतलब हो गया कि सेमेस्टर वन में 33% और सेमेस्टर टू में सेपरेटली 33% रिटेन एग्जामिनेशन में स्टूडेंट के आने चाहिए। अगर उसमें किसी तरह की गड़बड़ियां होंगी तो फिर स्टूडेंट के पास करने पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेकिन यह भी सच है कि सीआईएससी के एग्जामिनेशन प्रोसेस में फेल करने वाले स्टूडेंट वैसे भी कम होते हैं, तो यहाँ पर फेल के चक्कर तो बहुत ही हार्ड और या कह लीजिए एक्सट्रीम कंडीशन होगा, ऐसा होने की चांसेस नहीं है। अब हाई स्कोरिंग किस तरह से होते हैं यह सबसे देखने वाली बात है। इसी बीच ओसवाल गुरुकुल के 2023 के स्टूडेंट के लिए जो 10 ईयर है वो काफी उपयोगी है, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि वहां से आप परचेज करते हैं तो काफी मदद मिलेगी और ओसवाल गुरुकुल के बुक पर काफी चेंजेज आए हैं जिसको मैं बताऊंगा इन डिटेल, तो बने रहिए।